हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जी फाइव पे रिलीज हुई वेब सीरीज जिसका नाम है अभय सीजन टू। यार इसका सीजन वन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डेफिनेटली चेकआउट करना, ये भी आपको जी फाइव पे मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने सीजन वन नहीं भी देखा है तो भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि सीजन वन में जहां पर अभय का जो पर्सनल मैटर था वो वहीं पर खत्म हो गया था। उसके अलावा हमें सीजन वन में अलग अलग एपिसोड्स में अलग अलग केसेस देखने को मिले थे, वैसे ही यहां पर भी सीजन टू में हमें फिलहाल अभी दो ही एपिसोड देखने को मिले, उसके अलावा और भी एपिसोड्स रिलीज हो गए। तो इस वजह से अगर आपको पूरी सीरीज साथ में देखना तो थोड़ा वेट कर लो, लेकिन अगर आप लोगों को दो एपिसोड का रिव्यू जानना तो इस वीडियो को कंटिन्यू करो। बात करेंगे इस सीजन टू की, तो यहाँ पर हमें कुणाल खेमू, राम कपूर, चंकी पांडे और विदिता बैग के अलावा इस सीरीज को भी डायरेक्ट किया है केन घोष ने, जिसने सीजन वन को भी डायरेक्ट किया था। कि हर एक एपिसोड 43 मिनट से लेके 48 मिनट के बीच में ये करेंगे। एपिसोड वन की तो यहाँ पर हमें चंकी पांडे एक सीरियल किलर के रोल में नजर आए, वो एपिसोड बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन जो एपिसोड सेकंड है वो इतना ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगा, लेकिन फिर भी जिस तरीके से बैकग्राउंड में जो राम कपूर का एक प्लॉट चल रहा था वो प्लॉट देखकर इतना समझ में आता है कि भाई आने वाले एपिसोड में और भी जबरदस्त चीजें देखने को मिलने वाली है। बात करेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंस की, तो कुणाल खेमू का एज यूजुअल काम बहुत बढ़िया है, और शॉकिंग सबसे शॉकिंग तो चंकी पांडे था। उन्होंने इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है कि फर्स्ट एपिसोड आपको इतना ज्यादा लाजवाब लगे कि आप रिटर्न से दोबारा से फर्स्ट एपिसोड देखोगे सिर्फ चंकी पांडे के परफॉर्मेंस के लिए। और विदिता बैग, उनका भी परफॉर्मेंस मुझे पर्सनली अच्छा लगा। तो उसके अलावा आपको बता दूं कि ये पूरा एडल्ट्स के लिए बनाया गया शो है, क्योंकि एपिसोड वन में आपको काफी वॉयलेंस देखने को मिलेगा, वही अगर एपिसोड टू की बात करो तो यहाँ पर आपको वॉयलेंस प्लस एडल्ट सीन्स देखने को मिल जाएंगे। तो इस लिहाज से या आप अपने बच्चे और पेरेंट्स के साथ नहीं देख सकते, लेकिन हाँ या आप अगर आपके घर में एडल्ट लोग है तो ये शो आप डेफिनेटली देखना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।